नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लैरियंट केमिकल्स के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में दोस्तों। और क्लैरियंट केमिकल का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है और क्लैरियंट केमिकल ने 15 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें और उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लिया करें। चलिए दोस्तों, आगे मूव करते हैं हम लोग और रिजल्ट्स की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्लैरियंट केमिकल के रिजल्ट्स क्या रहे, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो 15 रुपए का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया कि जो कि 150% है फेस वैल्यू ऑफ 10 से। तो 15 रुपए का एक डिविडेंड, बढ़िया डिविडेंड अनाउंस किया है, और फाइनल डिविडेंड इफ अप्रूव हो जाता है तो शैल बी पेड ऑन और आफ्टर 17 अगस्त। तो 17 अगस्त के बाद इसका पेमेंट होगा, तो ये एक पॉजिटिव चीज निकल के आई है। दूसरी चीज दोस्तों, रिजल्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और रिजल्ट्स क्या है उस पर फोकस करिए। यस, सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाते हैं कि एसेट क्वालिटी क्या रही। तो एसेट्स अगर हम नॉन कॉनकरेंट एसेट देखें तो थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है लास्ट क्वार्टर से, वहीं करंट एसेट्स भी थोड़े से डिक्रीज देखने को मिल रहे हैं। तो एसेट क्लासिफाई, तो टोटल एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिल रहा है, यानी 64904 हो गए हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 943, लास्ट ईयर में 94346 थे। ये सारे फिगर दोस्तों लैक्स में है, यहाँ पे देखिए ये सारे फिगर्स इसमें लैक्स में है। तो टोटल एसेट क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। इसके आगे चलते दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन अगर हम देखें तो ऑपरेट यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, देखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखें तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ये यहाँ से 31,31458 लाख के करीब आ रहे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस देख रहे हैं तो यहाँ पे 9621 है, जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा रिडक्शन है, 10% के आसपास का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम द एक्टिविटीज, इस बार उसमें भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो रिडक्शन है। अब हम लोग चलते दोस्तों रिजल्ट्स की तरफ। रिजल्ट में सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या निकल के आ रही है कि रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कहीं एसेट क्वालिटी जरूर थोड़ा वीक हुई है, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से इस बार में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, और लगभग लगभग कह सकते हैं कि 25% का जंप देखने को मिला है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा सा जंप देखने को मिला है, 5% के आसपास का जंप है। वहीं पे अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इस बार 2274 के हुए हैं, जो लास्ट ईयर के क्वार्टर कंपैरिजन करें तो वहाँ से डबल प्रॉफिट है, और पिछले क्वार्टर से देखें तो भी प्रॉफिट में लगभग 10% के आसपास का जंप देखने को, 10 से 15% का जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ते दोस्तों, ये थी तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात है। तो दोस्तों अगर हम देखें सेगमेंटेड रेवेन्यू, तो 3 मंथ का अगर हम देखें तो वहाँ से थोड़ा सा डाउन है। वहीं सेगमेंटेड रिजल्ट देखें तो थोड़ा सा रिजल्ट ठीक ठाक नज़र आता है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख रहे हैं तो थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है आफ्टर टैक्सेस के बाद, तो यहाँ से थोड़ा सा कमी नज़र आ रही है। इसी वजह से जो अर्निंग पर शेयर है
वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो चुका है 4.75 से लास्ट ईयर क्वार्टर से 5.72 से और 6.62, तो थोड़ा सा सेटबैक है रिजल्ट में, लेकिन डिविडेंड अच्छा पे कर रही कंपनी, तो अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्लैरियंट केमिकल का अगर हम चार्ट चेक कर लें यहाँ पे, यस क्लैरियंट केमिकल का आप चार्ट चेक देखें तो अपने 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है, और पिछले 3 महीने का देखें तो भी हाई यही लगभग है, 1 साल का देख रहे हैं तो हाई जो 640 के आसपास बनाया था वहाँ से करेक्ट होके फिर से जंप होके इस बार हाई के काफ़ी करीब पहुँच गया। तो रिजल्ट में थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए, और करेक्शन आने पर अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, और अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो इसमें बने रह सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का शेयर है, डिविडेंड भी अच्छा दे रहे हैं। तो ये थी दोस्तों रिजल्ट एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई है। तो हमें टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करिए। थैंक यू दोस्तों।